हजारीबाग मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोणार्क पुल के पास गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 265 केजी गांजा करीब 30 लाख का पकड़ा है, जिसका इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 1 करोड़ बताई गई है। इस छापेमारी में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। गाड़ी के चालक व उपचालक बताए गए हैं। बरामद गांजा रांची से बिहार के बक्सर जिला से ले जाया जा रहा था। खबर 365 न्यूज के लिए हजारीबाग से रवि शर्मा की रिपोर्ट। ये आज सुबह में हजारीबाग के मुफस्सिल थाना प्रभारी और मुफस्सिल थाना के अन्य पदाधिकारी और यहाँ के बल जिसमें जो है कि हम जो है नेतृत्व करता थे, इसमें आज जो है एक सूचना जो है प्राप्त हुई थी और काफ़ी वाइटल इनपुट था कि रांची के रास्ते से हजारीबाग होते हुए गांजा का एक बड़ा खेप जो है बिहार जाने वाला। इस सूचना के आलोक में हम लोगों ने एक छापामारी दल का गठन किया और ये इनपुट हमारे एसपी साहब को मिला था। ये एसपी साहब ने ये इनपुट हम लोगों को देने के दिया था और उनके निर्देश पे एक छापामारी दल का गठन किया और सोनार ये जो पेट्रोल पंप के सामने हम लोगों ने चेकिंग लगाया तो लगभग 8 बजे के आसपास सुबह में रांची की तरफ से एक पिकअप वैन जो है आ रही थी, उसने जो हम लोगों ने चेक किया तो पिकअप वैन के डाला को काट कर अंदर एक बॉक्स बनाया गया था जिसके ये कुल 53 पैकेट गांजा बरामद हुए। सभी पैकेट्स का हम लोगों ने वजन करवाया है, सभी पैकेट्स का 5 किलोग्राम गांजा है। इसके साथ 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं, एक चालक और उसके लिए जो है कि दूसरे जो है कि को चालक है, एक का नाम कामेश्वर कुमार है ये और एक का नाम है विशाल कुमार। सर इसका बाजार में क्या रेट होगा? देखिए ये स्थानीय मार्केट में इसका कीमत 30 लाख रुपया है और अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो लगभग 1 करोड़ रुपये के आसपास इसकी कीमत। ताज़ा और अपडेट न्यूज़ के लिए देखते रहिए खबर 365 न्यूज़ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।